नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जानकारी जंक्शन पर। भारत में इस समय COVID-19 का कहर जारी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। देश में युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन देश के अलग अलग क्षेत्रों में भेजी जा रही है ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। इस समय ऑक्सीजन का महत्व हर व्यक्ति को बखूबी पता चल गया है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे वातावरण में कितनी ऑक्सीजन है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन 5 पेड़ों के बारे में बताएंगे जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वातावरण में उत्पादित करते हैं। नंबर 1, पीपल का पेड़। दोस्तों, पृथ्वी पर पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। हिंदू धर्म में पीपल को बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा इसकी पूजा भी की जाती है। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसी कारण पर्यावरणविद पीपल का पेड़ लगाने को प्राथमिकता देते हैं। नंबर 2, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, इसे भी हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल होता है तथा बरगद बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण को देता है। नंबर 3, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा भी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। तुलसी का पौधा एक दिन में 20 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन निर्माण करता है। नंबर 4, नीम का पेड़। नीम के पेड़ के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। पर्यावरण के अनुसार नीम के पेड़ को प्राकृतिक एयर प्यूरिफाई कहा जाता है। नीम का पेड़ जानलेवा गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हवा को पर्यावरण से ग्रहण करके हमें प्राणदायी ऑक्सीजन प्रदान करता है। नंबर 5, बांस का पेड़। बांस का पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बांस का पेड़ हवा को स्वच्छ करने के काम आता है तथा यह पेड़ हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। बताया जाता है कि बांस का पेड़ अन्य पेड़ों के मुकाबले 30% ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है तथा हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाने तथा ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। फिर भी उनमें से हमने उन 5 पेड़ों के बारे में जाना जो हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस चैनल जानकारी जंक्शन के माध्यम से हम आपको एक निवेदन करेंगे कि आप भी इस मानसून कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण हमेशा शुद्ध बना रहे तथा हमें कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी तथा आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जानकारी जंक्शन जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।